सर गुड मॉर्निंग, दिस इज योर FYNOX7F एंड स्वागत आपका एक नए ब्लॉग में। तो लाइफ में अपन ने बहुत कांड कर लिए, अब जाके थोड़ा सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम कर लेते। बॉडी के पूरे हाल खराब हो चुके हैं, ना कुछ दिख रहा है ना कुछ बचा हुआ है। तो चलो अब सुबह के बज रहे 5:30 सॉरी 4:30, तो अपन जा रहे हैं बाहर एक्सरसाइज करने, और कुछ नमूने मिले तो उनको भी करेंगे अपन रोस्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो रनिंग करते हुए अभी आप सुबह पार्क में तो पहुंच गए, पसीने पसीने से बॉडी हो रही है, अब एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देता है। रनिंग अपन ने कर चुकी है ऑलरेडी, है ना। देख दोस्त, ये बहुत अच्छी चीज़ हुई कि अब धूप आने स्टार्ट हो चुकी है, सर अपने सामने दिखाई दे रहा था, अब मैं अच्छे से ब्लॉग शूट कर सकता हूँ बिकॉज मेरा कैमरा अच्छे से काम नहीं करता। वैसे मेरे मोबाइल पुराना होते जा रहा है, तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते। फेस आई थिंक आपको मेरा क्लियर दिखाई दे थोड़ा बहुत, और जब तक एक्सरसाइज कर रहा हूँ तुम्हारे लिए मैंने कुछ नमूनों का इंतजाम कर दिया है, तो जाके उसे देखो। हाँ तुम मस्त ले, तो जब तक मेरे साथ खेल ले अब तक के तुम देखो उस नमूनों को। तो गाइस ये मेरा रशियन फ्रेंड है, और तो मैंने कुछ वक्त पहले एक बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग सिखाया था जिसको ये अपनी गर्लफ्रेंड सुनाने वाला था, तो ये आज फाइनली अपनी गर्लफ्रेंड को उसी गाने को सुना के प्रपोज करने वाला है दोबारा से। सो आर यू रेडी? यस। ओके आई एक्चुअली मजा आएगा। क्यों नहीं बेबी, आई वांट प्रपोज यू दिस बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग, कैन आई? वाओ ओके। चला हद हम की लोरी, चला हद हम की लोरी, चला हद हम की लोरी। How is it? Oh baby, it's so cute. I love you. तो देख रहा है दोस्त, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, किसी रशियन को पहनना तो 6,000 रुपये चाहिए होते, और किसी रशियन लौंडे को चूतिया बनाना है तो वो सब थोड़ा दिमाग चाहिए होता है। वैसे ही तुम्हें पता है अपन इंडिया वालों के पास कितना दिमाग होता है, रशियन को ऐसी पर छोड़ो। तुम्हें एक चूते से मिलवाता हूँ, उसकी भी बातें तुम सुनकर क्या ही तुम बोलोगे यार, वो भी मतलब उसके भी लेवल अलग ही है। उसकी बातें सुन के मेरे को अलग लेवल पे हंसी आ रही थी कि ये बस सिखा कर रहा है। जिस लड़की को आप पसंद करते हैं अगर पहले से ही उसका बॉयफ्रेंड है तो उसे ऐसे पटाओ। नंबर वन, जब तक उसका बॉयफ्रेंड है उसको अपनी फीलिंग्स कन्फेस मत करो। नंबर टू, उसके करंट बॉयफ्रेंड से हर एक मामले में बेटर बन जाओ। नंबर थ्री, उसके बॉयफ्रेंड के रहते आप उसके लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल मत हो, नहीं तो वो आपको अपना भाई बना लेगी। और आखिरी चीज, उसके ब्रेकअप का इंतजार मत करो, लड़की अपने आप आ जाएगी। चल माना कि वो बंदी हमसे सेट हो जाएगी, हमसे पट जाएगी, फिर इसके बाद उस लौंडे का क्या होगा? उस लौंडे के लिए कुछ सोचा है? उसका उसका बाद में क्या होगा जब उसकी बंदी उससे चली जाएगी, और भाई उसकी बंदी मेरे पास आ भी गई तो फिर क्या भरोसा वो मेरे साथ रहेगी जब अपने बंदे को छोड़ सकती है? मेरे लिए तो मेरे लिए किसी और को नहीं छोड़ सकती क्या, किसी और के लिए मुझे? तो भाई ये कहाँ की बकचोदी वाला ज्ञान लेके आते हो, कहाँ से सीखते हो ऐसा ज्ञान कहाँ से? दोस्त तो कहना क्या चाहता है, बंदियाँ लॉयल नहीं होती है भाई, लड़कियाँ बहुत लॉयल होती है। बस तुम जैसे टीचर है ना जो लौंडों को सिखाते हैं ना, और लौंडे सीखने के बाद लड़कियों पर आजमाते हैं, तो देन इसका लड़की का है ना मनोबल कम हो जाता है, उन्हें भी लगता है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे को दूसरा चाहिए। वो इसके चक्कर में है ना वो लौंडा दोनों की लाइफ ख़राब कर देता है ना। तो भाई अपन ऐसा लौंडे नहीं है कि अपन किसी की सेटिंग ख़राब करके खुद की सेटिंग बिठाए है ना, अपने अंदर ऐसा गुण बिल्कुल नहीं है। बात तो सही है। देख दोस्त, वो किसी से मिलवाते अपने नए प्यारे प्यारे दोस्त से। देख यार अब कब भाग रहा है, अभी जब से बोल रहा था मेरे पास घुसे आ रहा था, अब ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तो कोने में आके बैठ गया, देख रहे हो इसको है ना, देखो कितने शांति से बैठ गया, देख रहे हो कितनी प्यारी प्यारी आँखें इसकी। अच्छा हाथ दे, हाथ 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 दे, तू काटेगा कमीने, हाथ दे हाथ, हाथ दे हाथ 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 देना। ओ ओ कितना प्यारा लग रहा है तू, नहाए धोए तूने कि नहीं काली आंखें वाले? सो आज की अपनी एक्सरसाइज सारी हो चुकी है, दिखा नहीं पाया बिकॉज ऑफ वो दिखाता तो फिर वीडियो कुछ ज़्यादा लॉन्ग हो सकती थी, इसके चक्कर में उसको मैंने वाला पार्ट कट कर दिया, क्योंकि मतलब बहुत सारी एक्सरसाइज करने के लिए यार, तो उसको एड करता हूँ मजाक से एड के, ये 10 मिनट की वीडियो चल जाती है आराम से, बट इतने लॉन्ग नहीं करना मेरे को, तो उसको मैंने उस टाइम पे हटाया। अपनी सारी एक्सरसाइज के बाद अब इस ब्लॉग को करते हैं समाप्त, क्योंकि अब मैं भी घर जाऊंगा, फिर रेडी होके कॉलेज वॉलेज जाएंगे अपने, सॉरी आज कोई कॉलेज नहीं है, आज कोई एग्ज़ाम नहीं है मेरा, तो आज मैं घर पर बैठ कर पढ़ाई करूँगा, 10 तारीख का एग्ज़ाम है मेरा, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ले, अदरवाइज़ फिर घर वाले तोड़ देंगे, बोलेंगे बेटा पैसे दिए तुम्हें हमने कि कॉलेज जाओ पढ़ाई मढ़ाई करो, तुम फालतू के पैसे बर्बाद कर रहे हो।
इससे अच्छा तो आज का ब्लॉग मैं यही करता हूँ समाप्त। और दिस इज माई लास्ट वीडियो जिसमें है ना गाली का वर्ड यूज हुआ है। इसके बाद है ना कोई भी वीडियो में गाली का वर्ड यूज़ नहीं करने वाला मैं। आई विल नॉट यूज एनी अब्यूजिंग इन माई वीडियोज। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।